शनिवार 6 जनवरी को पुलिस को मिली सूचना पर हिंगनगार शहर के जगन्नाथ वार्ड में एक घर की छत से पुलिस ने 2 से 2.5 फीट ऊंचाई के 42 हरे गांजे के पेड़ जब्त किए हैं। घर के छत पर इसे लगाया गया था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हिंगनगार थाने की क्राइम डिटेक्शन टीम को मिले गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को छत पर हरे गीले गांजा अमली पदार्थ के पौधे 2 से 2.5 फीट ऊंचाई के 42 पौधे मिले। जगन्नाथ वार्ड हिंगन घाट में एक घर के छत पर लगाया गया था। गांजा के 42 पौधे हरा गीले ऊंचाई 2.5 फीट वजन 369 ग्राम ऐसा कुल मिलाकर 4,500 रुपए का माल जब्त किया गया है। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्यवाही पुलिस उप निरीक्षक रमेश मिश्रा पुलिस स्टेशन हिंगन घाट कर रहे हैं। उक्त कार्यवाही नूरुल हसन पुलिस अधीक्षक वर्धा, डॉक्टर सागर कौड़े अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वर्धा, रोशन पंडित उप विभागीय पुलिस अधिकारी हिंगन घाट के मार्गदर्शन में, मारुति मुलुक पुलिस निरीक्षण पुलिस स्टेशन हिंगन घाट के निर्देशानुसार, अपराध निरोधक दस्ता के रमेश मिश्रा, पुलिस हवालदार प्रवीण देशमुख, सुनील माणकर, पुलिस नायक नरेंद्र आरिकर, दीपक हाके, विजय हरनूर, सागर सांकुले द्वारा इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। NBC न्यूज के लिए हिंगन घाट से रवि येरोकर की रिपोर्ट।